हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए आज मैं लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू R15 V4। एंड ये जो है दोस्तों मेटालिक रेड कलर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। काफी बढ़िया कलर लगता है वाला दिखने में, एंड जो इस कलर की डिमांड है वो बहुत ज्यादा आती है। आप लोग जो है इस वाली बाइक की जो काफी डिमांड करते हैं, तो R15 दिखाओ, R15 दिखाओ। ऊपर से जब ऐसे ऐसे कलर हो ना, एक बार जरा कलर की तरफ ध्यान से देखो, आप लोगों को ना एक बार में प्यार हो जाएगा इस वाली बाइक को देखते साथ ही। ठीक है, इतना जबरदस्त कलर लगता है। जिनको R15 की लुक अच्छी नहीं लगती, जिनको MT15 की जो लुक अच्छी लगती है, उनको एक बार ये वाली बाइक दिखा दो इस कलर में, वो इससे ना प्यार कर बैठेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त लगता है वाला कलर देखने में, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ठीक है, इस बाइक के बारे में आप लोगों को कंप्लीट सारी चीजें बताऊंगा आज, फुल डिटेल वीडियो होने वाली है। ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस बाइक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस वाली वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों बस आप लोगों को क्या करना है, इस वाली वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए थे, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप लोग आए हैं, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट फटाफट से। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने 360 वॉक अराउंड आप लोगों को दे दिया बाइक का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टायर से। दोस्तों टायर्स आप लोग देख सकते हैं इस बाइक के, आप लोगों को 180/17 का जो फ्रंट टायर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। MRF के नाइलो ग्रिप जो टायर है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर का अलॉय व्हील इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 282 mm की फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। बाइब्री की ब्रेक देखने को मिलेगी दोस्तों, कोई लोकल ब्रेक नहीं मिलेगी, ब्रांडेड ब्रेक्स है। काफी प्रीमियम बाइक है, तो प्रीमियम फीचर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ड्यूअल डिस्क ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है। रियर में भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जो कि 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। एंड ये आप लोगों को अगेन बाइब्री की जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को दोस्तों मिलने वाली है। रियर टायर आप लोग देख सकते हैं इसका कितना मस्कुलर मिलता है। 140/70/17 का रियर टायर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 140 सेक्शन का। भाई बहुत ज्यादा चौड़ा टायर है, बहुत बड़ा टायर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं इसके मडगार्ड की लुक दिखाऊं, तो ये है इसके कुछ फ्रंट से मडगार्ड की लुक, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड पूरा पीछे तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात कर लो, तो फ्रंट में जो उसके शॉकर्स हैं, आप लोगों को USD अपसाइड डाउन वाले जो सस्पेंशन है, USD फॉक्स सस्पेंशन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो रियर है वो आप लोगों को इसके अंदर मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं जो लगा हुआ है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि बहुत बढ़िया कम्फर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता है जब आप लोग इस बाइक के राइड करेंगे। इधर की तरफ से आप लोग लुक देखेंगे तो सारा फेयरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका सब फाइबर बॉडी है भाई, ज्यादातर इसके अंदर आप लोगों को प्लास्टिक की फाइबर की जो बॉडी है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को नीचे ब्लैक कलर में यामाहा देखने को मिल जाएगा, R15 V4.0 ये आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सामने से लुक आप लोग देखेंगे इसकी तो कुछ ये है भाई, इसकी फ्रंट से लुक। यहाँ आप लोगों को LED DRL देखने को मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा भाई, बहुत ज्यादा तेज लाइट है इसकी रात में। और ये इसका अगेन एक और DRL, सामने से देख सकते हो कितनी अग्रेसिव लगती है बाइक दिखने में, ऐसा लगता है कोई घूर रहा हो आपको, एक खतरनाक सी लुक आप लोगों को सामने से देखने में लगती है। नीचे की तरफ आप लोग इसका रेडिएटर देख सकते हैं, वहां पे आप लोगों को रेडिएटर देखने को इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को मिलती है। जो साइड मिरर्स है ना, वो आप लोगों को फोल्डेबल वाले मिलते हैं इसके अंदर, आप लोग इनको फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे करके फोल्ड हो जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में। तो ये इसकी ओवरऑल फ्रंट से लुक। एक वाइजर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, विंडशील्ड इसकी। ठीक है, चाबी की बात कर लूँ तो भाई ये है इसकी कुछ चाबी। ठीक है, कुछ इस तरीके की आप लोगों को इसकी जो चाबी है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बार देखा है तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की ये लुक देता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो इसका मीटर है वो कलर्ड नहीं मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे गियर्स दिखाएगा, यहाँ पे आप लोगों को इसमें RPM मीटर शो करेगा, किलोमीटर्स दिखाएगा, डिजिटली फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को गियर्स दिखाएगा, न्यूट्रल है क्या लगा हुआ है, ABS की ब्रांडिंग दिखाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ट्रिप दिखाएगा, बैटरी दिखाएगा, किलोमीटर दिखाएगा और स्पीड दिखाएगा। बहुत सारे जो फीचर हैं वो मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ के थ्रू ये, और इसमें आप लोगों के जो भी फोन में मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, कॉल आएगी, सब इसके अंदर आप लोगों को शो करेगा। ठीक है, बाकी ये है इसका हैंडल, कुछ इस तरीके का हैंडल मिलेगा। और जो क्लच है वो भाई इतना लाइट मिलता है, आप लोग देख सकते हो सुपर लाइट क्लच आप लोगों को मिलेगा। ये है इसके स्विचेस वगैरह, जो कि काफी प्रीमियम आप लोगों को मिलते हैं। और ये इसका 11 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आप लोगों को काफी मस्कुलर देखने को मिलने वाला है। कलर आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मेटालिक रेड जो है इस कलर का नाम है। यहाँ पे आप लोगों को यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट की जो ब्रांडिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फ्यूल लीड आप लोगों को एक देखने को इसमें मिल जाता है, E20 की स्टिकरिंग मिलेगी। और यामाहा का जो लोगो है ना, वो आप लोगों को काफी प्रीमियम इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, बहुत प्रीमियम लोगो आप लोगों को मिलेगा, 3D में आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा। सारी तरह से आप लोग लुक देख सकते हो, सारा आप लोगों को ये फाइबर देखने को मिलेगा, मेटल बॉडी ये नहीं है। सीट की बात कर लूं तो भाई ये है इसकी ब्लैक कलर की सीट, जो कि अलग अलग है, आगे की सीट अलग है, पीछे की सीट अलग है, स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल जाएगी।
VVA वेरिएबल वैल्यू एक्वेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका, जो कि इसके इंजन को स्मूथ बनाता है और काफी ज्यादा एक ये मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच सके बाइक वो बनाता है, क्योंकि ये 150 cc की बाइक है और 150 की जो स्पीड है वाली बाइक टॉप स्पीड मारती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये इंडिया की ऐसी एक पहली बाइक है जिसमें आप लोगों को 150 cc का इंजन मिलता है और ये जो बाइक की टॉप स्पीड है वो भी 150 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। एक चीज आप लोगों को दिखानी रह गई थी, इसके अंदर जो आप लोगों को इंडिकेटर मिलेंगे ये आप लोगों को बल्ब वाले इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो इसका R15M वाला वेरिएंट है जो कि वो खड़ा हुआ है उसकी भी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को LED इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे जो कि थोड़े से और लग रहे हैं इस बाइक के हिसाब से। एनीवेज बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 155 cc का इंजन मिलेगा दोस्तों, जो प्रोड्यूस करेगा 18.1 bhp की पावर विद 14.2 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे एंड लिक्विड कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है इस बाइक के अंदर। ये सब आप लोगों को यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो प्लास्टिक के यहाँ पे देखने को सब कुछ मिल जाएंगे, जो उसके फुटपैक्स हैं वो आप लोगों को एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो साइलेंसर इसका वो ब्लैक कलर का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक में अगेन देखने को मिल जाएगा। ये इसकी टेल लाइट LED टेल लाइट आप लोगों को मिल जाती है, एक बार मैं इसकी टेल लाइट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टेल लाइट जो भी आप लोगों को LED में मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलती है, टेल लाइट वगैरह आप लोग देख सकते हैं काफी मजबूत है भाई क्वालिटी में। और ये है इसका इंडिकेटर, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को मड फ्लैप देखने को मिलेगा और इस साइड आप लोगों को जो इसमें साड़ी गार्ड जो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग साड़ी गार्ड भी आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा बाइक के अंदर। बाइक के वेट की बात करो तो यहाँ पे आप लोगों को 141 किलो का जो कर्व हेट है वो देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट की बात करो तो 815 mm की सीट हाइट मिलेगी और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जिसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। बाइक की माइलेज की बात करूँ तो 25 से 35 तक की जो कंपनी क्लेम करती है कि बाइक आप लोगों को वाली बाइक माइलेज देगी, लेकिन 25-30 की बाइक की सिर्फ माइलेज है वो आप लोग सो मान के चलिए बाइक आप लोगों को बहुत ही प्यार से दे देगी। ठीक है ना, वैसे माइलेज अच्छी है इस बाइक की क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 155 cc की बाइक है। प्राइसिंग आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी आ रही है, बाइक के ऊपर फिलहाल कोई भी जो उसके ऊपर वेटिंग पीरियड है वो नहीं है, आप लोग आके ले सकते हैं, यहाँ पे काफी सारा जो उसका स्टॉक है वो खड़ा हुआ है और भी आप लोगों को बाइक यहाँ पे मिल जाएंगी। शोरूम की डिटेल आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो है इसमें दिल्ली में शोरूम है ये वाला। आज की इस वाली वीडियो में इस बाइक से रिलेटेड इतना ही था, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में मैं बता चुका हूँ, अगर फिर भी कुछ रह गया आप लोगों के मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को मैं सब चीजें डिटेल में बता दूंगा। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।